साथ जो है वो हम आप तक अपनी बातें पहुंचाते हैं परावस। लेकिन आज इंस्टाग्राम के आप के ऊपर आने का एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं फेसबुक पर था और अभी मैं इंस्टाग्राम पे आया हूँ क्योंकि मुझे आपको ना किसी से मिलवाना है। और ये ऐसी जोड़ी है जिसने अपनी आवाज़ से अपनी एक पहचान बनाई है और अब इस पहचान को अप्रिसिएशन पूरी दुनिया से मिल रहा है। मज़े की बात यह है कि ये बनारस के ही हैं और इन्होंने अपनी 10 साल की मेहनत से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बनारस की ये चौथी पीढ़ी है अपने घर की, अपने अपने बाबा के साथ जब इनकी घर के सारी चीज़ें शुरू हुई, उसके बाद इनके दादाजी, इनके पिताजी और अब ये दोनों भाई जो हैं जिन्हें चिश्ती ब्रदर्स कहते हैं, ये अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बनारस की, देखिए इनको अभी हाल ही में एक अप्रिसिएशन मिला है फ्रॉम फ्रॉम यूट्यूब। सो हमारे साथ में इस वक्त हैं सैफ भाई और साबिर। तो साबिर बड़े हैं, सैफ छोटे हैं, और थोड़ी देर पहले हमने अभी फेसबुक के ऊपर लाइव किया। और तो कैसे हैं आप दोनों? जी आदाब नमस्कार जी। मैं आप लोग की दुआओं से बहुत अच्छा हूँ। हाँ मैं चिश्ती ब्रदर साबिर सैफ अली चिश्ती। जी हाँ, ये चिश्ती ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं और अभी इन्होंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ सिल्वर बटन, जो अभी इनिशियल लेवल है इनका, इसके साथ इन्होंने शुरू किया है। बट ये मेहनत बनारस बहुत पुरानी है और जब भी कुछ म्यूजिकल होता है रेड एफएम सबसे पहले आगे होता है उसमें। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आज मैं चिश्ती ब्रदर्स को जाके कहीं से धर दबोचूं और मैं फाइनली उसमें सफल भी हुआ हूँ। जी, तो मैं ज़्यादा बात न कराते हुए मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप लोग कुछ सुना दीजिए। सैफ भाई, अभी जो एक परफॉर्मेंस आपने दी थी वो हो जाए। जग से हारा नहीं मैं, खुद से मैं हारा हूं माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूं माँ। माई रे माई रे, तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे तुझ बिन सोनी मेरे अंगनाई, जब जब मुझ पर उठा सवार, माई तेरी चुनरिया ले रही। जीना जीना रे उड़ा गुला, माई तेरी चुनरिया ले रही। और मैं ये चार मिसरे माँ की शान में आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। हंस के सारी हयात काटी है, दिन भी काटी है, दिन भी काटा है, रात काटी है। माँ के कदमों में सो के सा लगा, जैसे जन्नत में रात काटी है। बहुत खूबसूरत, तालियां हो जाए। बहुत बहुत तालियां दादी बजाने के लिए, एक्चुअली सब लोग बाहर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप दोनों यहाँ पहुंचे हैं। और सैफ भाई मैं आपसे पूछूंगा ना, आप साबिर भाई से कितने छोटे हैं? हमारे साबिर भाई बड़े हैं। हाँ, उम्र में मुझे लगता है कि ये बताना थोड़ा कठिन है आपके लिए, लेकिन मुझे बताइए कि ये जो जोड़ी है जब मंच पे साथ होती है, जब जब प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है? कौन किसके साथ कैसे आप लोग जेल करते हैं पूरा परफॉर्मेंस अपनी? हमारे साबिर भाई ऊपर सब होता है, ये हाँ पूरा शुरू सारा स्टार्ट यही होता करते है, हैं यही और फिर होता बीच है, में आप उसको ज्वाइन करते फिर हैं। बाद में हम लोग फिर शुरू करते हैं। बचपन के बारे में आप साबिर बता रहे थे कि बचपन बड़ा स्ट्रगलिंग बीता है, बहुत मुश्किलात का सामना किया आपने। वो जो साइकिल वाली बात बता रहे थे, मुझे बताइए। जी, वही बचपन में हम लोग, रमजान होता है जैसे रोजा होता है, जी हाँ तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग की है कवाली गाने की सूफी, तो हम लोगों ने उसी उसी समय से, जैसे रात में रमजान के दिनों में हम लोग रात में 1 बजे उठते थे, ओके 1 बजे रात में उठकर हम लोग
साइकिल पे साउंड बांध कर ढोलक हारमोनियम उस पर रख कर हम लोग निकलते थे भोर में। हाँ। तो मतलब मोहल्ले मोहल्ले में, जैसे कि अपना मोहल्ला हो गया कोई और मोहल्ला, हम लोग गली गली घूम कर गाते थे और लोगों को उठाते थे। हाँ। लोगों की सेवा हम लोग करते थे कि हाँ। आप लोग उठिए, और सवाब भी थोड़ा हम लोगों को मिलता था। हाँ। और काफी लोगों ने हम लोग का मजाक भी उड़ाया कि ये लोग भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं फला डका। और वही लोग आज हम लोग का नाम करते कि हम लोग साबिर के साहब के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ये करते हैं, ये दुनिया की बड़ी है। लेकिन हम लोगों को ये उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, देने वाला ऊपर है। और मुझे लगता है कि उन चीजों से आप लोग ज्यादा मजबूत बन गए, जी, है ना। क्योंकि आपने जो बताया कि दादाजी के समय, पिताजी के समय जो आप लोगों ने स्ट्रगल देखा है, और आज इस मकाम पर आप हैं कि आप हर वो चीज कर सकते हैं अपने म्यूजिक के लिए, अपने परिवार के लिए, जो आपने कहीं ना कहीं सपने देखे थे। और मैंने उसी पे एक शेर भी आपको सुनाया था फेसबुक पे, सुनाता हूँ। जो अपने जीना गवारा नहीं मुझको, जीना गवारा नहीं अब मुझको, यतीमों और गरीबों के भी सर पे हाथ रखता हूँ। निहत्ता दुश्मनों से मिलने में अब डर नहीं लगता, मगर अपनों से मिलता हूँ तो खंजर साथ रखता हूँ। दूर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती ब्रदर्स, आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। एक बार हो जाए, बजाते रहो, बजाते रहो। थैंक यू, बहुत मजेदार।